प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभात खबर। झारखंड बने 20 साल हो गए, लेकिन अब भी कई गांव ऐसे हैं जहां विकास की रोशनी नहीं पहुंची। गांव जो अब तक बिजली, पानी, स्वास्थ्य, सड़क और शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाओं से महरूम हैं। हमारी ये स्टोरी ऐसे ही कुछ गांवों के बारे में है। गुमला जिला मुख्यालय से 55 किलोमीटर की दूरी पर है चैनपुर प्रखंड। चैनपुर प्रखंड से 16 किलोमीटर दूर है मालम पंचायत। इसी मालम पंचायत के अंतर्गत आते हैं तिलवारी पाट, सनई टांगर, गढ़ा टोली, उमादरा, गाटी दरा, कतारी कोना, कोल्हू कोना, गम्हरिया, झलका और सिपरी गांव। इन तमाम गांवों में दो समानता है। पहला ये कि यहाँ कोरवा और असुर जनजाति के लोग रहते हैं। दूसरा ये कि यहाँ गांव विकास से कोसों दूर हैं। मालम पंचायत के ये सारे गांव नक्सल प्रभावित हैं। पूरा इलाका चारों तरफ से ऊंची ऊंची पहाड़ियों और घने जंगलों से घिरा है। प्रखंड मुख्यालय जाना हो तो पहले नदी पार करनी पड़ती है, लेकिन नदी में पुल नहीं होने की वजह से गांव वालों को तकलीफ उठानी पड़ती है। गांव में पक्की सड़क नहीं है। मानसून में इनमें से कई गांव टापू बन जाते हैं। कोई भी वाहन गांव तक नहीं जा पाता। यदि कोई बीमार पड़ जाए तो उसे खटिया में लादकर 16 किलोमीटर तक पैदल चलकर अस्पताल लाना पड़ता है। कितना गांव है जो नदी में पुल नहीं रहने के कारण प्रभावित होता है? यहाँ पर पूरा 8 गांव है, जो यहाँ पर ढुणवा चुअर नाला है और नुसिंगन नाला है। ये सब नाले में पुल नहीं और रास्ता नहीं के कारण बहुत ज़्यादा प्रभावित है। कितना आबादी प्रभावित होता है यहाँ पर? वही 8 राजस्व ग्राम होता है और टोला भी है। उस हिसाब से देखा जाए तो कम से कम लगभग में कहा जाए तो 2000 लगभग का आबादी है। बरसात में जब कोई बीमार पड़ जाता है तो कैसे आप लोग मरीज को लेके पार करते हैं? बरसात में कोई बीमार होता है या तो कोई गर्भवती महिला का डिलीवरी हो, वैसे स्थिति में हम लोग खाट में ढो करके लेते हैं और आगे जो मालम राजस्व ग्राम है वहाँ तक ममता वाहन का व्यवस्था हो जाता है। गाँव में बिजली की भी समस्या है। बिजली कई महीने तक गुल रहती है। गांव वाले महीनों भिबरी के सहारे जीवन बिताते हैं। गांव में बेकारी और बेरोजगारी भी है। मालम पंचायत के कोल्हूकाना गांव में 20 लाख रुपए की लागत से आंगनबाड़ी केंद्र का निर्माण हो रहा था। गांव वालों का आरोप है कि निर्माण पूरा होते ही आंगनबाड़ी केंद्र की छत गिर गई। तब से भवन जर्जर अवस्था में ऐसे ही पड़ा है। अस्थायी घर में आंगनबाड़ी केंद्र का संचालन किया जा रहा है। आंगनबाड़ी केंद्र कब से बना थे? 6 साल से पहले से बनते हैं। अभी इतना तो रात हुई जाए है तो अभी चालू है आंगनबाड़ी केंद्र? चालू तो है एक ही। वो कहाँ चलत है? दो अथी में है। दूसरा कर घर में? दूसरा घर में। और ये जो नया बनाते रहे वो का होलक? इसे तो नहीं तैयार करना है तो का हो? अगर बैन रह तक तो बढ़िया होते। हाँ, बैन रह तक तो बढ़िया होता। यहाँ कर बच्चा मन बढ़िया से पढ़ते हैं का? ले तो बढ़िया से पढ़ते हैं, हम तो नहीं बना के पढ़ लें। तो कोल्हाकाना सहित आसपास के कई गांवों में कोरवा और असुर जनजाति के लोगों के मकान मिट्टी के हैं। बारिश में कई मकान ध्वस्त हो जाते हैं। गांव वालों को बेहद मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। गांव वालों की मांग है कि उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ मिले, मनरेगा के तहत रोजगार मिले, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिले, सड़क का निर्माण हो, गाँव में बिजली की अच्छी व्यवस्था हो, विकास की मुख्य धारा से इन गाँवों को जोड़ा जाए। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। झारखंड और बिहार समेत देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए प्रभात खबर। धन्यवाद। प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।